बदलते परिवेश में देखने को मिल रहा है कि युवा अब कानों में लीड लगाकर दौड़ लगाते हैं, कई बार डीजे की तेज़ आवाज़ पर नाचना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, वह कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां करने लगे हैं जो उनके कानों के लिए काफ़ी हानिकारक हो गई है। ऐसे में जिस तरीके से अलका याग्निक की सुनने की क्षमता चली गई है, इसी तरह की समस्याएँ और लोगों के सामने भी हो सकती हैं। हमारे साथ नाक कान गला एक्सपर्ट हैं, हमसे ही जानना चाहेंगे किस तरह से सावधानी रखें जिससे कि किसी भी व्यक्ति की सुनने की क्षमता ना जाए। डॉक्टर साहब, देख रहे हैं अलका याग्निक को जब से कानों से सुनने की क्षमता गई है, देश भर में ये चर्चा का विषय बना। अगर हम मेरठ की बात करें, क्या कुछ इस तरह के पेशेंट आप भी देख रहे हैं? ये जो हमारी प्रॉब्लम है श्रवण शक्ति कम होने की, ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो तकलीफ है, ये जो बीमारी है, आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आमतौर पर ये बीमारी कोई नई नहीं है, लेकिन आजकल इसको देखने में ज़्यादा आ रहा है। इसके मुख्य रूप से दो तरीकों से बीमारी पाई जाती है। एक तो होता है जैसे अलका याग्निक जी का केस था कि सुनाई देने में एकदम से कमी हो जाना, इसको सडन सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। कि श्रवण शक्ति एकदम से, आप रात में सो के उठो तो सुबह देखोगे कि एकदम कान से सुनाई नहीं देगा। आमतौर पर ये एक कान में ज़्यादा होती है, क्योंकि दूसरा कान पहले कान को, जिसकी श्रवण शक्ति खत्म हो गई है, उसके फंक्शन को टेक ओवर कर लेता है, इसलिए कई बार हमें पता नहीं चलता। तो अब इसका जो बहुत महत्वपूर्ण कारण उभर के सामने आ रहा है, ये युवा पीढ़ी के अंदर जो ईयर प्लग्स और ईयरबड्स लगाने की एक होड़ लग गई है, और उस पर गाने सुनना और म्यूजिक सुनना, वो भी एक बहुत ज़्यादा कारण बन जाता है सुनाई कम देने का। आजकल 20 साल, 18 साल, 25 साल तक के बच्चे जो है, जो कि म्यूज़िक सुनते हैं बहुत ज़्यादा, पढ़ाई करते टाइम भी म्यूज़िक सुनते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा श्रवण शक्ति की कमी देखने में मिल रही है। डॉक्टर साहब, देखिए जाए आजकल डीजे में भी धमक होती है, एक तो कई तरह की बेस होती हैं, क्या वो भी नुकसानदायक हैं? डीजे का तो भाई साहब अभी 3-4 दिन पहले ही एनजीटी ने बोला है कि इसको बैन लगा दिया जाए। जैसे हम किसी भी चीज़ का मापदंड होता है भाई साहब, जैसे एक पानी का मापदंड होता है लीटर में, पेट्रोल का लीटर में होता है, आटे का, गेहूँ का किलो में होता है, केजी में होता है, इसी तरीके से जो साउंड होती है, साउंड का मापदंड डेसिबल में होता है। जो हमारा आप अभी बात कर रहे हैं, ये 40 और 50 डेसिबल की आवाज़ में बात कर रहे हैं। यही आवाज़ अगर 70-75 डेसिबल से ऊपर हो जाए तो फिर हमारे कान के सुनने की क्षमता को कमी आने लगती है। तो कान की श्रवण शक्ति, जैसे ही हम आवाज़ तेज करते हैं तो उससे एकदम कम हो जाती है। कोई व्यक्ति अगर 120 डेसिबल, यानी कि जो गोली की आवाज़ होती है तेज, अगर उस वो आवाज़ आपके कान के पास हो जाए तो ये आपके कान की शक्ति को, श्रवण शक्ति को एकदम ख़त्म कर सकती है। किस तरीके से, क्या इसके विशेष लक्षण हैं जिससे पहचाना जाए? ये भाई साहब आमतौर पर देखने में आया है, जैसे कभी पटाखे वटाखे फटते हैं तो किसी कान के पास पटाखा फट जाए तो उससे दो तरीकों से नुकसान हो सकता है। एक तो कान की नस बैठ सकती है, या फिर कान का पर्दा भी बैठ सकता है। इसी तरीके से डीजे की आवाज़, शादी ब्याह के अंदर हम तेज ध्वनि की आवाज़ भी सुनते हैं, उससे भी एकदम धमक लगने से कान की श्रवण शक्ति खत्म हो सकती है। लोकलिटी मेड से शाम का कार्य।